हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी चैनल पे वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लैंड ऑर्किड के बारे में। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, एक लैंड ऑर्किड है, मतलब ग्राउंड ऑर्किड है। इसका मतलब कि इसको आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है स्पैथोग्लोटिस प्लिकाटा। ये बहुत ही लो केयर मेंटेनेंस प्लांट है। देखिए दोस्तों, ये नीचे से स्टिक निकले है। एक एक स्टिक तकरीबन 4 से 5 महीना तक फूल देते हैं, और फूल जो होते हैं एकदम जो स्टिक निकलते हैं उसके नीचे से स्टार्ट होता है, और फूल देते देते ये स्टिक लंबा होता जाता है। दोस्तों, ये जो प्लांट है, अगर अचानक से कोई देखेगा तो देख के ऐसा लगता है कोई एक पाम ट्री है, जैसे कोई नारियल का छोटा पौधा या सुपारी का छोटा पौधा, मतलब कि बीटल नट ऐसा लगता है। देखिए दोस्तों, ये फूल है, मज़ा ये है कि ये फूल बहुत लंबा समय तक देता है। देखिए दोस्तों, नया नया स्टिक है, नीचे से निकले है, और एक बार इसको लगाने के बाद नीचे से बहुत सारा ब्रांचेस निकल आते हैं। तो इसको आप तोड़ के भी बहुत सारा पॉट में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक पौधा अगर लगाएंगे तो 1 साल के बाद वो 3-4 हो जाएगा, उसका आप अलग अलग करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते दोस्तों। और यह इतना इजी है कि इसके लिए जैसे कि हम लोग जो ऑर्किड रखते हैं शेडेड एरिया में, लेकिन ये आप ओपन सनलाइट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मैं 1 साल हो गया इसको लगाया, 9 महीना से 1 साल होगा शायद। उसका एकदम पहले दिन से मैं इसको एकदम ओपन सनलाइट में रखता हूँ, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका 9 महीना पहला का है जो मैं नर्सरी से ख़रीदे थे। देखिए दोस्तों, एकदम छोटा सा था, देखने में लगता है कोई सुपारी का छोटा पौधा हो, लेकिन वे ऑर्किड है, ग्राउंड ऑर्किड। देखिए उसके, चलिए दोस्तों, पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार किया था उसको थोड़ा देख लेते हैं। 50% गार्डन सॉइल, मतलब कि एकदम प्लेन सॉइल। 20% दीजिएगा आपका भार्मी कंपोस्ट, लेकिन याद रखिएगा काउडंग मत दीजिए। 25% दीजिएगा कोका फिट, और आप दीजिएगा 2 कप दीजिएगा रिवर्सन फॉर 8-inch पॉट। दोस्तों, ये जो काउडंग है, किसी भी तरह ऑर्किड में काउडंग का इस्तेमाल मत कीजिए, अच्छा होगा कि आप भर्मी कंपोस्ट यूज़ करें। तो काउडंग देने में क्या, काउडंग एक्चुअली मैं सीजनल फ्लावर में देता हूँ, लेकिन जो परमानेंट प्लांट होता है उसमें काउडंग थोड़ा कम देता हूँ। लेकिन जो ऑर्किड वगैरह है, ग्राउंड ऑर्किड वगैरह, इसमें अगर काउडंग ना दे तो ही अच्छा है। इसमें आप काउडंग की जगह यूज़ कीजिए भर्मी कंपोस्ट। देखिए दोस्तों, ये अर्ली डेज का पिक्चर है, उसके बाद ये 6 महीना बाद का पिक्चर है। देखिए दोस्तों, बहुत सारा स्टिक्स निकला है। अब देखिए, प्लांट भी थोड़ा हेल्दी है। देखिए, बहुत 6 महीना पहले वो शायद स्टार्ट किए थे फूल देना। देखिए, फूल देते देते लंबा होता जा रहा है, फिर भी फूल देना बंद नहीं हो रहा इसका। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो लैंड ऑर्किड होता है, इसका बहुत सारा कलर आते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही कलर है जो आप देख रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारा कलर का मैं कलेक्शन मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं देखा है बहुत सारे लोगों के पास इसके दूसरा वैरायटी भी है। देखिए दोस्तों, ये सीड्स है, इसमें हजारों की संख्या से छोटे छोटे बहुत दाने होते हैं। इससे आप जर्मिनेशन भी कर सकते हो, लेकिन उसमें से फूल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो गाँट मैच्योर होने में 4-5 साल भी लग जाएगा। तो इसलिए इसको इजी मेथड है, इसको जो जड़े है उसको तोड़ के आप नया नया प्लांट बना सकते हैं। इसको सेपरेट कीजिए नीचे से, तो आपको बहुत सारा प्लांट मिल जाएगा हर साल। देखिए, एक छोटा सा स्टिक है, नया स्टिक जो अभी तक खिले नहीं, उससे थोड़ा बड़ा स्टिक है, और नीचे से कुछ दिन बाद नया नया स्टिक निकलता रहता है। दोस्तों, इस ऑर्किड में मैं
केमिकल फर्टिलाइज़र जो यूज़ करता हूँ वो है NPK 19:19:19, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम देके स्प्रे करता हूँ महीना में 1 दिन। देखिए दोस्तों फाइनल वीडियो है मेरा, देखिए बहुत सारा स्टिक है, अभी तकरीबन 5 या 6 स्टिक होगी सब मिलके, और नीचे से भी छोटा छोटा कोई कुछ स्टिक निकल रहा है जो कि शायद एक डेढ़ महीने से में फूल देना लग जाएगा। देखिए दोस्तों दो तीन महीने बाद मैं इसको भी नीचे से सेपरेट करके इसको 1 से 2-3 पॉट में शिफ्ट करेंगे ताकि मुझे 2-3 और प्लांट मिल जाए इसमें से, क्योंकि वो नीचे से जो गुच्छा निकल रहा है प्लांट का उसको तोड़ देने से क्या होगा, उसका न्यू ग्रोथ अच्छा होगा। देखिए वो मेरा नीचे से जो नया स्टिक निकले हैं अभी, वो छोटा स्टिक जो था वो अभी थोड़ा खिलने लगे है, और नीचे भी छोटा छोटा स्टिक है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, एक्चुअली वो निकल रहा है कुछ दिन में वो भी दिखने लगेगा। देखिए इसका जो सीड्स से मैं देखा है जो बहुत सारा छोटे छोटे दाने होते हैं इसके अंदर एकदम बहुत ही छोटे छोटे, अभी वो सीड पके नहीं, पकने के बाद वो सीड ऑटोमेटिक में खुल जाता है और नीचे सीड गिर जाते हैं, लेकिन सीड से इसको ना उगाना ही अच्छा है क्योंकि इसमें से अगर आपको प्लांट मिल भी जाए तो इसको 5-6 साल लग जाएगा फूल देने में, इसलिए सबसे इजी मेथड है कि इसको नीचे से डिवाइड करो और 2-3 पॉट में लगा दो। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास था मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो।